2 साल के बाद आपके भाई को याद आ चुका है कि आपके भाई के पास एक साइकिल भी है जिस पर मिट्टी जम चुकी है। खैर आपके भाई ने अपने नाजुक कंधों पर इसको दूसरी मंजिल से नीचे उतारा और मेरी नजर पड़ी कि इसके अगले और पिछले टायर में हवा ही नहीं है। खैर मैंने डिसाइड किया कि पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के लिए आपका भाई फुल जोश के साथ रेडी था। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके भाई ने इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी जमी हुई मिट्टी उतारना इतना ही मुश्किल था जितना कि दूसरे लड़कों को उसके दिल से निकालना। खैर आपके भाई ने मेहनत जारी रखी क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। फिर मैंने इसको शैम्पू से नहलाया और ये है अपने चीते की फाइनल लुक। माशाल्लाह जैसे उसने आपके भाई को बुलाया था वैसे मैं अपने साइकिल में से पानी साफ किया। फिर आपका भाई निकल गया अपने चीते के टायर में हवा भराने। मौसम को एंजॉय करते करते आपका भाई टायर वाली शॉप पे पहुंचा। खैर हमने अपने टायर में हवा वगैरह भराई और निकल पड़े हवा गर्दी करने के लिए। राइडिंग को एंजॉय करते करते आपका भाई पहुंच चुका था पार्क के पास। माशाल्लाह हर एक शख्स आपके भाई के चीते को देखे की लफ्ज़ बोला था वाह वाह। और यहाँ आपका भाई स्टंट करने की कोशिश कर रहा था जो उसको आते ही नहीं। फाइनली हम घर आ गए, साइकिल को अंदर खड़ा किया और डन विद राइडिंग। तो राइडिंग करते करते आपके भाई को बहुत ज्यादा भूख लगी क्योंकि जिस टाइम गए पिज्जा खाने और इस प्यारे भाई ने अपने प्यारे हाथों से माशाल्लाह पिज्जा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मजेदार से चीज की टॉपिंग के बाद फाइनली 5 मिनट बाद आगे भाई का पिज्जा आ चुका है। अच्छा पिज्जा खाने के बाद आपके भाई को चस आ गई। तो मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।